सर बहुत से लोग आते हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ अपना रुख नहीं देखते हैं वो लोग गाँव से यहाँ शहर आ जाते हैं फिर पढ़ाई करते हैं जैसे सर मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ तो सर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा सिविल सर्विस में नहीं होता है तो मैं अपनी एग्रीकल्चर की तरफ उधर ही मतलब देखूंगा हो सकता है सर इससे कुछ लोगों को जॉब भी मिले सर जैसे गांव में, में मेरे पास सर ज़मीन है मतलब पापा के पास तो सर वहाँ बटाई सिस्टम चलता है मतलब ज़मीन आपकी होगी और उस पर खेती दूसरे लोग करेंगे बट आपको इन्वेस्टमेंट आधी देनी पड़ेगी तो सर मैं उसको खुद ही ओन करना चाहता हूँ सर पापा जैसे बटाई पे वो चीज़ देते हैं तो सर जैसे कैश क्रॉप की फार्मिंग होती है अभी सर गांव के लोगों को ज़्यादा कैश क्रॉप्स के बारे में पता नहीं है तो वो लोग गेहूँ चावल जौ ऐसी मतलब फसल पैदा करते हैं जिससे उनको मैक्सिमम तीन चार लाख से ज़्यादा का एनुअली मतलब हो प्रॉफ़िट होता ही नहीं है बट सर कैश क्रॉप की शुरुआत मेरे गाँव में मेरे पापा ने की थी जिसमें बनाना फार्मिंग से स्टार्टिंग की गई थी तो सर जैसे अगर हम पचास बीघे में कैश क्रॉप्स बनाना फार्मिंग करते हैं तो सर मिनिमम सर अगर वन थाउजेंड का भी रेट जाता है तो सर पचास लाख आ जाता है बट सर बटाई सिस्टम चलता है तो उसकी वजह से पच्चीस लाख सर नेक्स्ट पर्सन को चला जाता है जो खेती कर रहा है जबकि सर जमीन टोटल मेरी है सर मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं उसकी जगह पर सर जैसे एक इंसान को दे रहा हूँ उसके पूरे घर वाले मिल उसमें खेती करते हैं बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पाँच या छः लोगों को हायर करूँ जो मेरी ज़मीन पर काम करें मैं उनको सैलरी दूँ लाइक ट्वेंटी थाउजेंड या थर्टी थाउजेंड सर इस हिसाब से सर सिक्स लैक्स मैक्सिमम सर जाएगा उनको सर इस हिसाब से सर जो फिफ्टी लाख में मेरा जो परसेंटेज आएगा वो फोर्टी फोर लैक्स का आएगा जो कि मुझे ट्वेंटी फाइव मिल रहा है तो सर मैं इस हिसाब से देखना चाहता हूँ एक बात बताओ आपके माइंड में इतने अच्छे से सब कुछ चल रहा है इतना कुछ आप देख चुके हो इतना कुछ आप देख रहे हो जी फिर यू की तैयारी क्यों कर रहे हो सर फैमिली प्रेशर सर शुरू से ही आ गया क्योंकि सर शुरू से जब कोई बच्चा टॉपर हो जाता है तो उसके ऊपर रिश्तेदार घर वाले सब ऐसे बना देते हैं कि नहीं ये तो कर ही लेगा इसके हिसाब से तो इसको तो ज़िले की सबसे बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए सर मैं छोटा था तो मेरे पापा हमेशा ऐसे बोला करते थे कि तुम्हें जिला अधिकारी बनना है सर वो ये भी नहीं जानते थे कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना होता है तो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में जैसे आया तो सर मेरी फर्स्ट पोजिशन एक मेनटेन हो गई कि मैं फर्स्ट ही आता था तो वहाँ से सर वो चीज़ होने लगी ना मैं भी सबसे कहने लगा कि हाँ मैं डीएम बनूँगा डी बनूंगा बट सर जब हाई स्कूल पास किया तो अब सर वो एक कमिटमेंट हो चुकी थी लोगों से कि हाँ अब मुझे डी एम ही बनाया सर मैं पीछे भी नहीं हट सका सकता कि मैं क्लास का टॉपर हो गया अगर मैं ये बात कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा तो बाकी लोग क्या कहेंगे और फिर सर मुझ पर प्रेशर एक्स्ट्रा आएगा तो अभी आपका पहला अटैम्पट है या कितने पहला अटैम्प भी नहीं हुआ है 2026 में मेरा पहला अटैम्प है और मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ कहीं से कोचिंग आपने ज्वाइन कर लिया सर, है कोचिंग अभी इसी मंथ में ज्वाइन करनी है स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था उसमें मुझे फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप मिल गई है और वो कोचिंग की फ़ीस कितनी है सर कोचिंग की फ़ीस टू पॉइंट थ्री फाइव लैक्स थी जो सर आई थिंक अब सर वो 1.5 लाख वन पॉइंट फाइव लैक्स के समथिंग हो गई है 2.35 लाख लाख थी, जो 1.5 हो गई है। सर, सर क्योंकि सर उसमें ट्यूशन फी पर ही स्कॉलरशिप वैलिडेट हो रही है ये जो स्कॉलरशिप का पूरा का पूरा गेम है ये सर। अगर सोचो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कितना बढ़िया गेम है ये सर। कि पहले आपको बोला जाए कि भैया अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आपको सौ स्कॉलरशिप मिल जाएगी उस चक्कर में लोग आ जाएंगे डेटा मिल जाएगा

एक्चुअली आप पूछोगे ना तो किसी को हंड्रेड नहीं मिली होगी तो डेढ़ लाख रुपए आप एक साल का वहां पे देने वाले हैं एक अटेम्प्ट के लिए अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या प्लान है क्योंकि अब तो आप सबको बोल चुके हैं और एक बार नहीं हजार बार बोल चुके हैं आप और आपके घर वाले की मेरा बेटा तो डीएम बनने वाला है जी तो अब अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर क्या प्लान है दूसरा यस सर दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरा मेरे को आपके ये करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो आपका सपना है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो आप अकेले नहीं हो आपके जैसे लाखों लोग और भी हैं प्रॉब्लम इज कि अगर ये आपका नहीं होता है जिसकी 99.99 परसेंट पॉसिबिलिटी है लेकिन अगर आप बहुत ब्रिलियंट भी हो तो 99 परसेंट पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा दो चार पांच अटेम्प्ट के बाद भी माई प्रॉब्लम इज कि उसके बाद आप एक कैसे इंसान होगे चार पांच साल बाद क्या आपके अंदर ये एनर्जी ये पॉजिटिविटी ये इंटेलिजेंस ये जो मेरे को नजर आ रहा है अभी ये बचेगा या ये सब खत्म हो जाएगा और अगर ये खत्म हुआ तो आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या खोया और आपकी वजह से और दुनिया ने क्या खो दिया सच शार्प माइंड माइंड ब्रिलियंट तो उसको ऐसी जगह लगाओ ना जहां से कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है यानी कि ऑनट्रप्रीनोरशिप में वाई कांट यू जस्ट लीव दिस सीट फॉर समीड इट मोर देन यू सर सपना सर वही बात है ना कि सर पापा को फिर सर लोग बोलने लगेंगे तो कि, कि जैसे मेरे बड़े भाई मेरे साथ ही तैयारी करते थे वो भी मेरे जैसे ही थे मतलब उनका हो गया नहीं सर ये चीज है ना कि जैसे कोई घर में नहीं कर रहा है इतने सालों तो सर पापा ने पढ़ाया कोई चीज मतलब कोई ऐसा एसेट नहीं क्रिएट किया कि जिससे हम लोग की पढ़ाई इफेक्ट हो जाए तो सर सिर्फ मैं ही बचता हूँ अपने घर में जो शायद पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे चल रहा हूँ सर वो चीज़ सर पापा पर भी प्रेशर सोसाइटी का आ जाएगा कि आपके छोटे लड़के ने भी छोड़ दिया ये सब चीजें नहीं नहीं मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि आप मत करो आप करो या नहीं करो ये आपकी कॉल है हम एक हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं yes, जैसा यूजुअली हमारे घरों में स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं होता एक डिबेट है ये डिबेट होना चाहिए सोसाइटी में जो कहीं नहीं हो रहा है हर कोई आपको आ करके बेचने में लगा हुआ है इस सपने को ये जो आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो ना ड्रीम है सपना है ये सपना आपका अकेले का नहीं है इस तरीके से सोसाइटी को कंडीशन किया गया है और मजे की बात क्या है सिर्फ पुरानी जनरेशन को नहीं ये वाली जो जनरेशन है यानी आप लोग युवा हमारे देश का उनका भी इतने तगड़े तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है मतलब ऐसी ऐसी वेब सीरीज है ऐसी ऐसी मूवीज हैं इस तरीके से इंटरनेट पे इन चीजों को फैलाया जा रहा है एज इफ दिस इज दी ऑप्शन दैट इज देयर ऑल आई कैन नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ एंड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट ये दोनों मरते हैं अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि अभी एज ही ज्यादा नहीं है आपकी उन्नीस साल है जब चालीस पैंतालीस साल के हो जाओगे तब ये बातें समझ आएंगी तब देख लोगे ना अपने आसपास में लोगों को बर्बाद होते हुए ये ओवर कॉन्फिडेंट वाले सब मारे जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंट वाले भी वहीं के वहीं रह जाते हैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस होता है बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकलिटी रियलिटी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग वॉट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज आर एंड देन एक्टिंग अकॉर्डिंगली वो लोग लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं अभी आपके अंदर एक फायर है जिसको मैं देख पा रहा हूं बट ये फायर जो मुझे नजर आ रही है ये हर एक में नहीं होती है बहुत कम लोगों में होती है और अभी तक जितना मुझे समझ आया है उसके बेस पे ऑन्टरप्रिनशिप इज समथिंग विच इज एक्चुअली राइट फॉर यू बट करोगे क्या और क्या नहीं दैट्स योर कॉल अगर फार्मिंग में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर जाते हो एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज आपके फादर के पास में लैंड है पैसा है आपके पास में दिमाग है बट कर क्या रहे हो अभी दिमाग का चल रहा है ये सपना मेरा सपना मेरे घर वालों का सपना और जैसे अभी आप सोच रहे हो ऐसे ही इस वक्त लाखों लोग सोच रहे हैं सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आई बनने के बाद अगर इनका पर्सनल मैटर ना हो इनका समाज के में मैटर हो तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आई बनते हैं और उस जमीन को जो कह रहे हैं अधिकृत कर देते हैं उसके बाद वहाँ फार्मिंग हैं, लोगों से पैसे देते। होने की क्या है, आप बताओ मुझे. जीरो जीरो पॉइंट ऐसा है कि लॉटरी की टिकट है, है, है अब अब बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ लॉटरी की टिकट है स्पेक्यूलेशन है समझो इसकी अदर साइड को भी देखो और सिर्फ लॉटरी की टिकट है तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा लग रहा है सो दो सौ पांच सौ रुपए हजार रुपए आपकी जिंदगी लग रही है

पाँच या दस साल बाद जब इनका सपना पूरा हो जाएगा तो ये इंटरप्रीनोरशिप स्टार्ट करेंगे बट उसके बाद इनके घर वाले इनको छोड़ने देंगे जैसे आई एम ऑल्सो फ्रॉम एस आर सी सी मेरे पापा का सपना था कि उनकी बेटी एस आर सी सी में पढ़े फिर उनको ये भी था कि अब सी ए भी वो करे अब ही इज़ लाइक कि प्लेसमेंट मेरी वाली की तो सबसे ज़्यादा लगेगी तो ये तो एक बहुत ही कॉरपोरेट का कल्चर है जैसे यू पी एस सी का है, सेम वो नहीं छोड़ पाएगा उसके बाद उसकी शादी होगी और आगे चीजें हैं शादी बेस पे होगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि डीएम है भाई साहब। yes. <laughs> और सर जैसा इन्होंने भी कहा कि आई बनने के बाद वो आई के थ्रू अपनी ये फार्मिंग स्टार्ट करे और सबको इन्फ्लुएंस करे बट वो एक नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्केटिंग चली जाएगी कि मतलब

अगर वो पच्चीस लाख से अपना मार्जिन थर्टी फाइव या फोर्टी ले जाना चाह रहा है और तो वो, नहीं करना वो अपने लिए काम करना है तो एक बहुत दूर का सपना है आई थिंक मेरी भी एडवाइस उनको यही होगी कि अगर उन्हें अभी करना तो उन्हें करना चाहिए क्योंकि एक बार ही स्विच लेने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कुछ अलग से करो तो वो हाईलाइट भी होता है और लाइफ में कुछ अलग दिखता भी है अरे आपको खुद को मजा आता है जीने में एज सिंपल एज दैट